साथियों, आयुष्मान भारत संपूर्ण भारत के लिए सामूहिक समाधान के साथ साथ स्वस्थ भारत के समग्र समाधान की भी योजना है। ये सरकार की उस सोच का विस्तार है जिसके तहत हम भारत की समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए टुकड़ों में सोचने के बजाय समग्रता में काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र में यूनिवर्सल हेल्थ केयर को लेकर एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें मुझे भारत की बात बताने का अवसर मिला। भारत में हेल्थ केयर को लेकर जिस प्रकार होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम हो रहा है, जिस स्केल पर काम हो रहा है, और दुनिया के लिए एक अजूबा है, हैरान है दुनिया। भाइयों और बहनों, संयुक्त राष्ट्र में मौजूद दुनिया भर के प्रतिनिधियों को मैंने बताया कि कैसे हम स्वस्थ भारत को चार मजबूत स्तंभों पर खड़ा कर रहे हैं। पहला प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, दूसरा एफोर्डेबल हेल्थ केयर, तीसरा सप्लाई साइड का सुधार और चौथा राष्ट्रीय पोषण अभियान जैसे मिशन मोड इंटरवेंशंस का है। पहले स्तंभ की अगर बात करें तो आज स्वच्छता, योग, आयुष, टीकाकरण और फिटनेस पर बल दिया जा रहा है ताकि लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां कम से कम हो। इतना ही नहीं, पशु के कारण भी फैलने वाली बीमारियां मनुष्य को परेशान करती है और इसलिए इस बार हमने एक मिशन मोड में काम उठाया है। पशुओं में फुट टू माउथ जो डिसीज है उस बीमारी से हिंदुस्तान को मुक्त करना, यानी पशु की भी चिंता उसको भी हम भूले नहीं है। मैंने वहां दूसरे स्तंभ की बात की, दूसरा स्तंभ यानी देश के सामान्य जन को उत्तम और सस्ता इलाज मिले, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, इन दो स्तंभों को आयुष्मान भारत योजना बहुत मजबूती दे रही है। चाहे वो देश भर में 1.5 लाख से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के निर्माण का काम हो या फिर हर वर्ष 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा, आयुष्मान भारत ही की भूमिका अहम है। साथियों, आयुष्मान भारत हमारे तीसरे स्तंभ यानी सप्लाई साइड की मजबूती भी ठोस आधार बना रही है। आयुष्मान भारत से देश में स्वास्थ्य सेवाओं की डिमांड से बढ़ोतरी हो रही है। अब वो गरीब मरीज भी अस्पताल पहुंच रहा है जो कभी इलाज के बारे में सोचता तक नहीं था। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की तो वो कल्पना तक नहीं कर सकता था। आज पीएम जय की सेवा देने वाले 18,000 से अधिक अस्पतालों में से करीब 10,000 यानी ऐसे आधे से अधिक अस्पताल प्राइवेट सेक्टर में है। आने वाले समय में ये भागीदारी और बढ़ने वाली है।